आज करेंगे अनबॉक्सिंग जो हमारी एक रिंग लाइट हम लोगों ने मंगवाई है इसकी। चलिए शुरू करते हैं, चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं, है ना। थोड़ा सा नीचे करते रहे, है ना। ये अनबॉक्सिंग शुरू कर रहे हैं। अच्छा खासा इसका वजन है, मतलब हल्के में नहीं ले सकते इसको, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। क्वालिटी वाइज देखा जाए तो ये बढ़िया है, ये बैंड भी हो सकता है ऐसे और ऐसे भी रह सकता है, यहाँ से इसको टाइट कर सकते हैं, है ना। तो अभी इसकी इसमें और क्या क्या खासियतें देखते हैं। इसमें यूएसबी के पोर्ट दिए हुए हैं, अगर आप इसको मैं आपको घुमा कर दिखाऊं तो इसमें यूएसबी के पोर्ट दिए हुए हैं, ऑन ऑफ के बटन है और यहाँ पर एडेप्टर लगेगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग इंटेंसिटी वगैरह कम कर सकते हैं इसकी। तो ये जो बैग में ही इसके एडेप्टर दे रखा है तो आप एडेप्टर लगाते हैं, ये मैनुअल दे रखा है, मैनुअल इसको मैं अभी थोड़ा सा साइड में रख रहा हूँ। ये एक रिमोट दे रखा है, ये फिर एक मोबाइल होल्डर दिया हुआ है, अभी इसको देखते हैं कैसे लगाते हैं। हाँ, ये स्टैंड दिया हुआ है मोबाइल का, ये इसको हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, अभी देखेंगे कैसे इसको असेंबल करना है। हाँ, ये इस तरीके से असेंबल हो जाएगा और रिमोट के लिए रोज हेल्दी हो, बाकी खाली है अब तक सारी चीजें निकाल ली। अब इसको हम मोबाइल को उसमें लगा के कहीं पर भी ऑन किया, वाह। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लाइट जल गई। अब इसके थोड़े से एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये किस तरीके से आपको आउटपुट देगा। तो अभी मैं सारी लाइट्स बंद कर लेता हूँ मिट्टी की मदद से। सारी लाइट्स बंद करने के बाद इसका आउटपुट आराम से देखते हैं। पहले वीडियो को पॉज कर दिया जाता है। तो देखिए मोस्टली लाइट्स बंद है, इसके अलावा एक और लाइट खुली हुई है, पहले मैं इसको बंद करके देखता हूँ। देखिए ये लाइट बंद हो गई, अब ये सिर्फ एक लाइट जल रही है। अब मैं उस लाइट को बंद करूंगा और इस लाइट को ऑन कर दूंगा। बंद कर दो, ठीक है, ये खोल अपने। तो अभी ये बहुत माइल्ड लाइट में है, अब इस लाइट की मैं थोड़ी थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ और फिर देखता हूँ कि ये कितना कारगर है। पहले मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लूँ।
अभी आप देखिएगा मैं इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, ये लाइट बहुत चमकदार हो गई है और थोड़ा सा ये पीला पन लिए हुए हैं, इसको मैं थोड़ा सा इसकी वाइटनेस बढ़ा लेता हूँ। तो देखिए ये अलग अलग तरीके की लाइट्स इसमें, ये फुल लाइट एकदम है और आपको अच्छा दिख रहा होगा इसमें। अब अगर जब हम वीडियो वगैरह शूट करते हैं तो सामने ऐसे रख के कैमरे से जब शूट करते हैं तो चारों तरफ की लाइट हमारी इसमें फिल हो जाती है। तो अभी मैं आपको वीडियो में हम देखते हैं कि इसके अगर हम इसके थ्रू फोटोग्राफ्स लेते हैं तो उसके आउटपुट्स क्या रहते हैं, सिर्फ इसी की लाइट में, बाकी और कोई लाइट का प्रयोग नहीं करेंगे। देखा आप लोगों ने ये लाइट किस तरीके से है, आप लोगों को क्या इसका रिव्यू मिला।